नमस्कार, आप देख रहे राष्ट्रीय समाचार। नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में 15वां ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल में पहले दिन के तीसरे सत्र का शानदार आयोजन किया गया, जिसमें आ हिस्ट्री ऑफ फिल्म म्यूजिक स्टोरी टेलिंग विथ साउंड इम्प्रूवमेंट ऑफ सोशल मीडिया इन फिल्म प्रमोशन के ऊपर बात की गई। भारतीय संस्कृति के अनुसार दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में मीडिया, टीवी और फिल्म जगत से जुड़े देश विदेश से अतिथिगण ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम में सभी गेस्ट को बुक देकर अभिवादन किया गया। इस कार्यक्रम में एक्टर राजेश तेलांग, मुकेश त्यागी, दीपक कालरा, प्रिया धींगरा, मिस मेलेना रोजस मडीना, कल्चरल काउंसिल एम्बेसी ऑफ क्यूबा, हेमंत नितिन दास और पी के राजपूत मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में मिस मेलेना रोजस मडीना कल्चरल काउंसिल एम्बेसी ऑफ क्यूबा द्वारा फिल्म फ्रॉम क्यूबा एल मयोर की स्क्रीनिंग की गई। इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट डॉक्टर संदीप मारवा ने कहा कि सोशल मीडिया हर इंसान की जिंदगी में जरूरी बन गया है। सोशल मीडिया बहुत पावरफुल है, जिससे लोग अपने टैलेंट को आसानी से ऊपर तक पहुंचा सकते हैं और पूरी दुनिया में नाम कमा सकते हैं। सोशल मीडिया स्टार दीपक कालरा ने कहा कि सोशल मीडिया के बिना अब जिंदगी अधूरी है, इससे मैंने बहुत कुछ उपलब्ध किया है। सोशल मीडिया के जरिए बहुत लोगों की मदद भी की गई है, जिससे बहुत लोगों की कोविड में जान भी बचाई जा सकी है। इस कार्यक्रम में सोशल मीडिया पर बात करते हुए सुशील भारती ने कहा कि सोशल मीडिया एक वरदान है, जिससे आज के समय में फिल्में बनाने के बाद प्रमोशन के लिए सोशल मीडिया का फ्री में यूज कर सकते। I'm so happy that we have with us Melina Rojas Medina, the culture counselor from Embassy of Cuba, and I'm so happy that out of the 18 films which we are projecting today in this festival, the film from Cuba is also there, and the name of the Cuban film is El Mirror. And may I request ma'am to speak about the film. Okay, first of all, I would like to thank to Marvel Studio for the invitation to participate in this very important Global Film Festival in India. I think that it's a great opportunity to continue to promote the Cuban film in India and to continue strengthen the relation, bilateral relation between Cuba and India has characterized for the friendship, solidarity and cooperation for more than 60 years. The Cuban film is a major, the mayor in Spanish, is a production of 2020 for the filmmaker Rigoberto López. Is regarding about the very popular Cuban heroes Ignacio Aramonte has named his note the mayor, hence is the name of the film. I think that the Cuban film will bring more closer the history, the culture, the custom, and even more the fighting spirit from the Cuban people more close to India. It's a very opportunity. It's a great opportunity for us participating in this very important film. मुझे बहुत खुशी हुई। देखो, कोई भी फेस्टिवल्स में हम लोग जाते रहते हैं ना, वो वहाँ पे ज़्यादातर फिल्म मेकर्स आते हैं या जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो आते हैं, लेकिन सिनेमा के स्टूडेंट्स कम होते हैं। और हम सब तो अपने आप को सिनेमा का स्टूडेंट मानते हैं ना, तो आप लोग भी सिनेमा के स्टूडेंट हो तो अच्छा लगे कि जहाँ पे सिनेमा के स्टूडेंट्स हों उससे बढ़िया फेस्टिवल कहीं हो सकता है क्या। सिनेमा से जुड़े बच्चों को मैं संदेश देना चाहूँगा कि करते रहे नहीं, मतलब मैं संदेश क्या दूं, हमारे गुरु हमें बोला करते थे कि सिद्धि के पीछे भागो, प्रसिद्धि के पीछे मत भागो, समझ रहे हो। तो आप सिद्धि के बाद कॉम्पिटेंस के पीछे भागिए, वो तो मिल जाएगा। संदीप मारवा जी के लिए क्या करना चाहिए, इतना सुंदर आयोजन क्या है। संदीप सर को मैं बहुत सालों से जानता हूँ, मेरे बड़े भाई के दोस्त थे वो, और मैं एक ज़माने में एक आध साल यहाँ पे पढ़ाया भी है मैंने 2006 में, तो मेरा उनसे बहुत पुराना नाता है और वो बहुत ग्रेट काम करते हैं हमेशा। और इतने सारे स्टूडेंट्स, मतलब टीचिंग से बड़ी कोई बात नहीं है ना यार, तो उन्होंने इतने अपॉर्चुनिटीज़, इतने अच्छे स्टूडेंट्स उनके यहाँ से पढ़े हुए, इतने अच्छे लोग निकले हैं जो आज मीडिया में बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। बेवकूफ़ियाँ मत करो, गलत चीज़ें मत डालो, बहुत सिंपल है, थोड़ा सोच समझ के डालो। क्योंकि अगर आप अपने आप को इन्फ्लुएंसर नहीं कहता, अगर आप अपने आप को इन्फ्लुएंसर कहते हो तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोगों को इन्फ्लुएंस करो, आप सही चीज़ की तरफ बताओ ना कि भाई एप्पल खाने से डॉक्टर के पास नहीं आना पड़ता,
पड़ता है, वैसी चीज़ें बताओ। आप ये मत बनाओ कि ये खाएंगे तो आप बीमार हो जाओगे, सिंपल है। संदीप मारवाह के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया है संदीप मारवाह जी, उनकी आवाज़ बड़ी अच्छी लगती है मेरे को। और जो बच्चे एक्टिंग करना चाहते हैं, जो या सोशल मीडिया अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए क्या कुछ टिप्स देना चाहेंगे? जो लोग एक्टिंग करना चाहते हैं वो सोशल मीडिया में कैरियर ना सोचे, और जो लोग सोशल मीडिया में कैरियर करना चाहते हैं वो लोग एक्टिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। वाओ, बट हाँ, बट ये है कि करते रहो यार, मतलब सोशल मीडिया करना, एक्टिंग करना, जो करना है वो करो और दिल से करो बस। जैसे कि मैंने आप लोगों से पहला सवाल ये पूछा कि डू यू गाइस लव दिस, क्योंकि आप अगर आपका किसी चीज़ में दिल है ना तो आपको मेहनत नहीं लगेगी, मज़ा आएगा।